चोरों वाला के उतरो लोमा का चलो उतरो वाला सोरों वाला बाहर चलो वही है इनका दो नंबर का काम नहीं है। बारी बरसी घटन कैसी है पार्क से नहीं है कोई माली ए बंदा जिथे भी जाता उठे जाता है बिल्कुल खाली कम बैक और हैप्पी न्यू ईयर। और आज का व्लॉग है आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज के साथ में आपको खुशियों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि लोग मेरे व्लॉग पसंद करते हैं बट थोड़ा सा टाइम नहीं होता, तो अब कोशिश करेंगे रोज व्लॉग बनाने की और आपको खुश रखने की। तो आज का सरप्राइज क्या है? आज का सरप्राइज है अभी हमने सलून में बहुत सारा काम किया, सुबह हमने पैकिंग की और हम जा रहे हैं एक दिन के लिए कहीं पर। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं रेहान? सरप्राइज है वो, हम ऐसे नहीं बताएंगे। इतने सरप्राइज दे देकर क्या चाहते हो? मस्ती। चलो तो फिर आपको आज दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आज है 1 जनवरी। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो खुशियों के साथ सबको। और दूसरी बात कि आज तहलका भैया का बर्थडे भी होता है और आज मेरे लिए ये सरप्राइज़ है कि जो दीपिका है वो मेरा बर्थडे भी मना रही है जो कि मेरा 6 दिसंबर को था। तो आज भाई और बहन दोनों का है बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर के साथ। तो हम आ चुके हैं, वी आर वन पैराडाइज। वाव वाव ब्यूटीफुल सा फार्म हाउस। स्विमिंग पूल का फायदा नहीं है, बहुत ठंड है। फाइनली हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। अच्छा मैंने पहली बार देखा है कि मेरा पर्स और मेरे कपड़े मैच कर रहे हैं। ओह माय गॉड। आ जाओ यहाँ पे है 3 बेडरूम्स, पहलो पूल एंड गेम्स। एंड इतनी ठंड है, पूल में जाने के लिए सोचना आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, बहुत ठंड है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे होने वाली है बहुत ही बढ़िया सी पार्टी, बहुत ही अच्छी। और बाहर हो रही है उसकी डेकोरेशन। सबसे पहले हम देख लेंगे हमें कौन से वाला लुकना है क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया, सबसे पहले हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कौन सा बेडरूम लुकना है। तो ये है इसका एक बेडरूम, ये है इसका दो, देख 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 देख। अच्छा ठंड है ना, इसी देखते भी ठंड लगती है और भी है। आ जाओ ये वाला लूट ले। तो ये वाला डन हो गया ना मैम, ये लूट ले। हाँ अच्छा लग रहा है। वैसे भैया के लिए ठीक है, होस्ट है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। भैया का बदले है तो भैया को हम ये वाला रूम दे देते हैं, हम छोटा रूम ले लेते हैं आपको। और यहाँ चलेगी हमारी भी पार्टी। ओह माय गॉड नाइस। और ये लग रहा है हमारे लिए सेटअप, हम लोग पूरी तैयारियां करके आए हैं। क्या होने आ रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे एक सरप्राइज आ रहा है और दीपिका और मैंने ये पार्टी रखी है और भैया को पता नहीं है हम लोगों ने। ये देखो हमें भी नहीं पता, अभी रेडी हो रहा है शायद। ये कब तक रेडी हो जाएगा? ठीक बाकी वो मैम ठंड लग रही है। वो जलेगी। तब सुकून आएगा थोड़ा। मुझे लग रहा है वंशी आ चुके हैं, वंशी ना कर कोई ना कोई तो आया है। मुझसे पहले कहा था दीदी गीजर ऑन रखना और मैं नहाऊंगा, मैं नहाया नहीं हूँ तो उसके लिए गीजर ऑन करना है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ केशव से। केशव ने सारा ऑर्गेनाइज किया है, जितनी भी हमारे यहाँ की सारी पार्टीज होती हैं ये बच्चा ही करता है। ये सारा बताएगा आज क्या क्या होने वाला है। आज हमारे यहाँ पे बार सेटअप होना है, मनी आइस के प्रॉप्स आने हैं। अच्छा। बॉयज आने हैं, कोल्ड पायरोज आनी है, वी हैव अ शीशा काउंटर ओवर हियर, वी हैव अ बार काउंटर। मजा आने वाला है मैम, बहुत मजा आने वाला है। और आप सब भी आ सकते हैं, जब तक ये व्लॉग बनेगा तब तक सब कुछ हो जाएगा। बट डीजे वगैरह भी लग रहा है, अभी हम डांस वांस करेंगे। केशव बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी पार्टी हो तो केशव के थ्रू ही हो। वेरी नाइस मैम, इज वेरी मैम इज गॉड फॉर अस। क्या होने जा रही हो? मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं।
मेरी बेबी खेलेगी ये आप छोटे बच्चे का ये आप ऊपर चढ़ के खेलो आप यहाँ ऊपर बैठ जाओ खेलो हाथ से खेलो खाली खेलो आगे चलते हैं आजो। तो भाई तगड़ा तहलका दीदी ने तहलका मचा दिया। ये खड़ी मेरी दीदी जन्मदिन पे देखो क्या सरप्राइज दिया दीदी ने मेरे को। जन्मदिन पे देखो कितना तगड़ा सरप्राइज दिया मेरी बहन ने। सोए बहन तहलका बहन। तो ठीक है दोस्तों पार्टी शार्टी करेंगे। यहाँ का नज़ारा देखो तगड़ा तहलका। ये देखो जी ये सैलून के साथ साथ इवेंट कंपनी भी चलाती हैं। ठीक है उन्होंने जो तैयारी करवाई है सारी खड़े होकर करवाई है टेंट वेंट सारी चीज़ें लाइटें वाइटें। तीन दिन से इसी गार्डन में थी हैं हर एक लाइट को लगवाया और अब जाके फ्री हुई हैं। यही बोल दो कि मैंने ही लगाया। चलो दिया दी है क्या आशिक है गे चोर मैं क्या करूं मैं मेरा जोर मैं क्या करूं ये दिल दीवाना ये वीआईपी पैदा हुआ था। और दूसरी बात है ये 1 जनवरी को इसलिए पैदा हुए थे क्योंकि सबसे अलग है और सबसे बेस्ट है। इसका घर का नंबर दुनिया ये कहती है कि मेरी दीदी 42 साल के गलत कहती है 24 साल की मेरी दीदी है। वहाँ आगे संभालो जाओ कोने में जाओ आधा घंटा ऐसे करके सबसे बड़ी बात है आज 2 बर्थडे मन रहे हैं। एक भैया का ये भैया वाला केक और दीपिका ने स्पेशली स्पेशली मेरा बर्थडे मनाया है ये वाला मेरे लिए। अरे वाह मैन बहुत कम से बीच में निकले बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई और की जरूरत है हम ऐसे लोग हैं जो बिना बॉल के खेलते हैं। चल भाई आ जा बिना चीटिंग नहीं कौन जीता मैम आपको आता है कहाँ चल रहे हैं मैम आप
साल पे जिनके पति बीवियों को पार्टी पे नहीं लेकर गए वो रोए रोए ढंग से बोल बोलो मेरी कसम पूरी जो तू बोला कान में दोबारा बोल अच्छा वो बोलने ढंग से बारी बरसी खटन गया खटके के लिए होना बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा मशूके खटके लियो ना भैया अपनी बातों से खोए ओ मोए मोए उपला सुरो रो बड़ा के उतरो लो वहां का चलो उतरो बड़ा सुरो वाला पार चलो वही है इनका दो नंबर का काम नहीं है उपला का चलो वाला सिर्फ पिंग आ गया सट्टा किंग सिरो बड़ा के सुरो वाला उतरो वाला सुरो वाला तो शान है भाई की सेकंड जूतों की दुकान है आता है जानू हमेशा बिना बीवी के आता है रूपली के तरह में थाली महाजन ने सुंदर बंदी बटा ली सेचता है ये बंदा पहने हुए कपड़े बेचता है बिल है आजकल इसका जो दिल है खानदारी के ऊपर दिल है खानदारी क्या बोला मेरे को साइड में क्या कह रहा भैया सोनिया की नहीं बोला आपने कौन भोग रहा है बदतमीज खान का भी पसंद है तू अपनी दस खड़के लिए होना वोट मैम देगी 500 का नोट खुश हो रहे ना तुम भाई सारे के सारे ये हमारे मोए मोए के चक्कर में 5 करोड़ ले जाएगा रात तक 5 करोड़ इसको लग रहा सारे के सारे भंड हैं सबसे ले लेगा 1 लाख रुपए भाई सारे कोई भंड नहीं है मैं भंड नहीं पी रही Oh!
ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਲੀ ਸਾਲੀ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਡ ਵਾਲੀ नहीं नहीं एक एक ना ना बीच में जो हमारा इंटरवल होता है ना इंटरवल आ गया मोए मोए नहीं नहीं वही वाला हाँ भाई एक चीज और 51,000 सगन दिया एक गोल्ड की अंगूठी दी और चैन दी वीडियो बनाई वीडियो बनाओ की दोबारा ले ली ऐसी होती है पार्टी सबको खुश रहना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर खुश रहे नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ये वापस जा रहा है इसलिए ब्लॉग खत्म करना पड़ा है और चलेगी सुबह तक पार्टी पार्टी चलेगी और सुबह ब्रेकफास्ट करके ही फिर हम लोग वापस जाएंगे तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग